राधा रानी कहती हैं बलिमपि बलिम अत्वा बलिम पूजाम अत्वा गृहीत्वा। बलि की पूजा तो स्वीकार कर ली और पूजा स्वीकार करके बांध दिया, उसको जमीन में डाल दिया। ध्वांशवद, ध्वांश माने क्या होता, कौआ होता है, श्राद्ध भोजी कौआ जो खिलाता है, कई बार उसी के पंजे, उसी के मस्तक पर अपने पंजे मार देता है, ऐसे किया नो, खा भी लिया और उसको बांध के डाल दिया। क्या करें, यहां तक हमें तो भर गई है, नाक तक भराई है, तत अलम असित सख्यई ही, काले लोगों की मित्रता से अब मैं ऊब चुकी हूं, मैं भर गई हूं, तो क्यों रो रही हो उनका नाम लेकर। तो अंतिम पद ने पूरी निंदा को स्तुति में बदल दिया है, इसको कहते निंदा ब्याज स्तुति। वो कहती दुस्त्यजस तत्कथार्थः, अरे भ्रमर अब प्राण भी त्यागे जा सकते हैं, पर प्राण प्यारे के लीला गुण चरित्रों का कथन श्रवण त्यागा नहीं जा सकता, क्योंकि इनके मंगल में दिव्य गुण, इनके मंगल में चरित्र, यही तो हमारा प्राण है। लो अब कहां रही निंदा, इसलिए भगवान में जहां इस प्रकार के दोष की बात किसी ने कही है वो दोष नहीं है, वो तो प्रेमी लोगों के प्रेम वैचित्र्य से भरे उद्गार हैं, वस्तुतः उनका प्रयोजन दोषों के निरूपण में नहीं है। क्योंकि देखो एक सिद्धांत है, द्वेष ही दोष का जनक है, लिखने योग्य बात है, द्वेष ही दोष का जनक है। जिस किसी के प्रति आपके मन में द्वेष भाव हो जाएगा उसके गुण भी आपको दोष के रूप में दिखाई देने लग जाएंगे, और जहां आपका भारी प्रेम हो जाएगा ना वहां लाख दोष हो कोई दोष दिखेगा ही नहीं, प्रेमी को और दोष दिखे उसको तो गुण ही गुण दिखते हैं। अब ये जितना दोषारोपण करने वाली है सबके सब प्रेमी है, तो ये दोषारोपण नहीं है, ये तो प्रेम की अटपटी भाषा ही ऐसी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे ब्रज में रास बिहारी ठाकुर जी कहते हैं कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये तो प्रेम की नदी की धार सदा उल्टी बहती है, तो इसको हमें इस अंश में लेना है, बहुत ध्यान से सुने। बाली और सुग्रीव के प्रकरण में भगवान ने बाली का बहेलिए के जैसा वध किया, उसमें भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि दोष सिद्ध हो जाएगा तो अनवध्य, जो बात उद्धव जी कह रहे हैं कि आप अनवध्य हैं निर्दोष हैं, ये बात उद्धव जी की झूठी हो जाएगी। देखो भगवान का दोष नहीं है, दोष बाली का ही है। बाली को जब यह ज्ञात हो गया था तारा के द्वारा कि ये राजकुमार नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और वह कोई असुर का अंश नहीं है, देवराज इंद्र का अंश है, देवराज इंद्र का पुत्र है बाली, तो उसे चाहिए था कि वह भगवान के चरणों में आता और कहता प्रभु मेरे अनुज को आपने शरण में स्वीकार किया है, तो इस अग्रज को भी आप अपनी शरण में लेवें, तो राम जी उसे भी हृदय से लगा ले। अरे जो शत्रु के भाई को लंकेश बना सकते हैं वो राम जी क्या बाली को नहीं अपना सकते थे? अपना सकते थे।
यह जानकर भी कि श्री राम परमात्मा है, यह जानकर भी कि श्री राम ने सुग्रीव को अभयदान दे दिया है, यह जानकर भी उसने सुग्रीव पर प्रहार किया, तो वस्तुतः हुआ प्रहार सुग्रीव पर नहीं था, वो भगवान की भगवत्ता पर प्रहार था, भगवान की ईश्वरता पर प्रहार था। आप लोग कहेंगे ऐसा ही जब था तो भगवान को कहना चाहिए था कि सुग्रीव किनारे हो जाओ, अब हम लड़ते हैं इससे। दोनों को लड़ा के बीच में क्यों मारा? बोले शास्त्र का निर्देश ही ऐसा है। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समये चारी इनहीं कुदृष्टि बिलोकै जेउ जोई ताही बधे कछु पाप न होई। शास्त्र में लिखा है राजा का कर्तव्य है इस प्रकार का अपराध करने वाले का बहेलिए के जैसा ही वध करना चाहिए। राम जी मूर्तिमान धर्म विग्रह हैं, इसलिए राम जी ने धर्म का, धर्म शास्त्र की मर्यादा का पालन ही किया। राम जी की कमी नहीं है, और राम जी का दोष होता, राम जी की कमी होती तो राम जी बाली के पुत्र अंगद को अपनी सेवा में क्यों स्वीकार करते? उनके मन में भेदभाव होता, या बाली के पितृद्वेष होता तो अंगद का हाथ अपने हाथ में क्यों लेते? और ऐसा क्यों कहते कि अचल करहु तन राखो प्राणा, अचल करहु तन, बाली मैं तुम्हें अजर अमर बना दे, अचल करहु तन, तुम्हारा शरीर अचल हो जाए, मरोगे ही नहीं कभी, सब दुनिया मर जाएगी तुम नहीं मरोगे। तन राखहु प्राणा, बाली ने कहा मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं जो ये अवसर हाथ से निकल जाने दूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। अब वो राम जी सामने खड़े हैं और मैं ये अवसर खो दूं, ये ठीक नहीं है। प्रभु मैं धन्य हो रहा हूं आपका दर्शन करके। तब राम जी ने क्या किया? बोले राम बाली निज धाम पठावा। राम जी ने बाली को अपने धाम भेज दिया। अब बताओ राम जी ने कृपा की कि राम जी ने कोप किया? आप ईमानदारी से बताओ। राम जी इस प्रकार से वध न करते, कृपा न करते तो बाली को अपने पाप का परिणाम घोर नरकों में जाकर भोगना पड़ता। बाली ने कहा है कि महाराज बंदरों में हम पशु हैं, बंदर हैं, उनमें ये सब धर्मशास्त्र के नियम नहीं होते हैं जो आप लगा रहे हो कि तुमने ये पाप किया है, हमारे हम लोगों के संप्रदाय में सब पाप पाप नहीं माना जाता है। राम जी ने कहा तुम बड़े चतुर चालाक मालूम पड़ते हो, बंदर कह के तुम बच नहीं सकते हो, बृहस्पति के यहां जाकर तुम वेद पढ़ रहे हो, यज्ञोपवीत धारी हो, त्रिकाल संध्योपास संध्या वंदन संध्योपासन कर रहे हो, वेद पाठी हो, और तुम अपने को बानर कहकर बचना चाहते हो, राजा बने बैठे हो, सारा धर्म शास्त्र तुमने पढ़ा है और जानते हो, और फिर केवल अपने दोष को छिपाने के लिए अपने को बानर कहकर बचना चाहते हो, ये चालाकी तुम्हारी चलेगी नहीं मेरे सामने। इसलिए बाली को कहना पड़ा प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। आप पापी पापी कह रहे हो, आपके सामने हूं फिर भी पापी है, अंत में आप सामने आ गए फिर भी पापी। राम जी राजी हो गए, खुश हो गए। तो यहां भी राम जी का दोष नहीं, राम जी ने कृपा की है, उसको अपने धाम का अधिकारी बना दिया। दूसरा सुरपणखा जी का दृष्टांत, इनमें भी राम जी का दोष नहीं है। राम जी ने तो पहले ही कह दिया निर्मल मन
जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये महाराज इसमें तो कपट छल छिद्र ही भरा हुआ है तो विद्युत जिहुए दैत्य की पत्नी विवाहिता है ये, और विवाहिता ही नहीं विधवा है, पति मर गया। जब नीचे पाताल के दैत्यों से दानवों से युद्ध हुआ रावण का, तो उस समय रावण के द्वारा ही अपनी बहन का पति बहनोई मारा गया युद्ध में। और शूर्पणखा रोने लगी, भाई साहब तुमने हमको सौभाग्य से शून्य कर दिया, अब मेरा गुजारा कैसे। बोले चलो लंका, ले आए लंका, बहन को विधवा कर दिया तो चलो लंका। वहां उसने रो करके कहा अपनी भाभियों से, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले भाई साहब ने जैसा मुझे बना दिया ऐसा मैंने अपनी भाभियों को नहीं बना दिया, तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, ऐसे ही किया महाराज, सबका धुआं उड़ा दिया, कोई भाभी अपनी सदभा नहीं छोड़ी। तो थी तो वृद्धा विधवा और बन के आई कुंवारी कन्या, अब बताओ दोष किसका है। सर्वज्ञ परमात्मा से कह रही है कि ताते अब लगी रहूं कुंवारी, हमारे जैसा हमारे अनुरूप कोई वर मिला ही नहीं, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूं। तो राम जी ने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, बहुत होगी तुम बहुत सुंदरी, बहुत सुंदर सज धज के आई हो, श्रृंगार करके आई हो, पर एक बात बताओ, मन हमसे भर गया पूरा? नहीं नहीं, मनमाना कछु तुम ही नहीं आ रही, थोड़ा सा मन अब क्या करें, अगतिक गति है, अब तुम्हारे जैसा कोई हो नहीं सकता है, अभी मिला ही नहीं, तो चलो तुमसे ही मन थोड़ी देर के लिए मना लिया। भगवान ने कहा बड़ी खतरनाक है, मान लो कथनचित हमसे सुंदर कोई आ गया तो एक मिनट नहीं लगेगा इसको किनारा करने में, ऐसी से तो भगवान बचावे। लक्ष्मण जी के पास भेजा, तो इसको कहना चाहिए था कि समर्पण एक के प्रति होता है, दस के प्रति होता है, जब मैं आपके चरणों में आ गई हूं तो इधर उधर नहीं जाऊंगी, लेकिन वहां भी चली गई। अरे वहीं चली गई थी तो वहीं रह जाती। उन्होंने पूछा कि तुम रानी बनोगी कि दासी, लक्ष्मण जी ने पूछा, गुस्सा में आ गई, बोले मैं दासी क्यों बनूंगी, मैं रानी बनूंगी, तो मैं तो दास हूं राम जी का, वो दास की पत्नी तो दासी होगी, वो फिर रानी बनने चली गई वहां। राजा राम जानकी रानी तो है ही है, राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवधि रजधानी, वो सोचती थी अब जानकी रानी नहीं रहेंगी, राजा राम शूर्पणखा रानी, लेकिन ये तो संभव ही नहीं। वो पहुंच गई फिर महाराज वहां, जैसी वहां पहुंची तो इसने सोचा कि मेरे साथ मखौल क्यों किया जा रहा है, ये जो जानकी जी है ना, इनको ही उसने राम जी अपने मनोरथ की पूर्ति में बाधक समझ लिया, उसने सोच लिया कि ये जानकी ये जो है ना, इसके कारण ब्याह नहीं हो रहा हमारा। तो रूप भयंकर प्रकटत भई, भयंकर रूप लेकर के, और महाराज खाने के लिए जानकी जी को दौड़ी। जानकी जी साक्षात भक्ति हैं, जानकी जी श्री जी की कृपा से ही जीव को भगवान के चरण मिलते हैं, वो आचार्य हैं, तो जो प्राप्ति में प्रधान साधन है उन्हीं को उसने बाधक मान लिया। तो भक्ति पर संकट आवे तो उसकी सुरक्षा करना तो आचार्य का काम है, जीवाचार्य लखनलाल जी हैं, उन्होंने उसके नक्कन काट दिए। कहीं से कहीं तक राम जी का दोष नहीं, लक्ष्मण जी का दोष सब इसी के हैं। यदि दोष सिद्ध हो जाएंगे तो अनवद्यत्व तो नहीं रहेगा भगवान में, ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं किसी के मन में ये तर्क आ जाए कि वहां तो हमने ये सुना था और यहां आप ये कह रहे हो, इसलिए पहले से बात स्पष्ट कर देते हैं। बलि की बात,
भगवान ने बलि के साथ छल नहीं किया।